यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा की खट्टर सरकार अमेरिकी कंपनी से एक विमान खरीदने जा रही है। इस 10 सीटों वाले किंग एबी 2200 विमान का सौदा 48 करोड़ रुपए में किया गया है। कंपनी को अक्टूबर में इसकी डिलीवरी देनी है। वर्तमान में हरियाणा के पास एक हेलीकॉप्टर है जिसे राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी और सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तेमाल करते हैं। गौर हो कि पिछली हुड्डा सरकार ने 2014 में नया विमान खरीदने का फैसला लिया था, लेकिन अक्टूबर 2014 में सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने विमान खरीदने के फैसले को रद्द दिया था। उस समय कहा गया था कि सरकार जनता के पैसे को बर्बाद नहीं करेगी, प्लेन के बजाय सरकार शताब्दी और वॉल्वो बसों में चलना पसंद करेगी। लेकिन अब उसी सरकार की ओर से 48 करोड़ में विमान खरीदा जा रहा है, किंग एयरबी 200। तो 10 सीटों वाले विमान को खरीदा जा रहा है हरियाणा सरकार की ओर से। हरियाणा की खट्टर सरकार इस विमान को खरीदने जा रही है। 48 करोड़ में इस विमान को खरीदा जा रहा है अमेरिकी कंपनी से। और हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से विमान का सौदा हुआ था, जिसे खट्टर सरकार ने अक्टूबर 2014 में रद्द कर दिया था। लेकिन अब खट्टर सरकार की ओर से विमान जो है खरीदा जा रहा है अमेरिका की ओर से। तो किंग एयरबी 200 का सौदा जो है किया जा रहा है और जल्द ही हरियाणा के पास ये विमान होगा। करीब 10 सीटों वाला ये विमान खट्टर सरकार की ओर से 48 करोड़ में खरीदा जा रहा है।